हेलो एवरीवन, हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है सबके? सबका बहुत 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 स्वागत है, वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम गाइस। होल्ड ऑन अ सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। राइट, सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। राइट, दिस इज अ डेली सीरीज दैट वी आर रनिंग, ये रोज की सीरीज है जो हम लोग रन कर रहे हैं एट 1:30 PM। राइट, सो वी विल बी डिस्कसिंग टुडे द करंट अफेयर फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। हम लोग ने कल तक सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स कंप्लीट किए हैं, आज हम लोग अक्टूबर 2020 के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिफोर वी डू दैट, आप लोग के अनाउंसमेंट है, बहुत ही बम्पर अनाउंसमेंट है गाइस। न्यू बैचेस फॉर यूपीएससी सीएससी 2021, 2022 एंड 2023 एस्पिरेंट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ओनली, 24 मार्च से। राइट, इसके अंदर बेस्ट एजुकेटर्स जो है आपके पूरे कंट्री के, दे वुड बी राइट वुड बी टीचिंग। राइट, मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर, सिद्धार्थ अरोड़ा सर, आयुष सांगी सर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, द बेस्ट पार्ट हियर इज दैट यूपीएससी सीएससी का एक मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर हम लोग सामने ला रहे हैं आपके। राइट, जस्ट अ सेकेंड गाइज, होल्ड ऑन अ सेकेंड। यस, ओके, कूल। चलिए, सो यूपीएससी सीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, राइट, जिसमें आप एक्सटेंड करा सकते हैं अपना 1 ईयर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन टिल 31 जुलाई 2020। आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, आप 31 जुलाई तक सब्सक्राइब कर सकते हैं, यू गेट एक्स्ट्रा फ्यू मंथ्स। कम ऑन गाइज, इससे अच्छी डील नहीं हो सकती है। नेक्स्ट ईयर का जो प्रिलिम्स का डेट होगा, वो जब भी होगा तब तक के लिए सब्सक्रिप्शन आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। सो एवरी डे काउंट्स, राइट, गारंटीड सब्सक्रिप्शन टिल प्रीलिम्स ऑफ 2022। सो इफ यू टेक अ सब्सक्रिप्शन बिफोर मार्च 31, 2021, यू गेट दिस बेनिफिट। इज दैट क्लियर? व्हाट आर द बैचेस दैट वी आर लॉन्चिंग फ्रॉम टुडे? वी हैव द एडमिशन यूपीएससी सीएससी 2022 जीएस बैच कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में जो है, प्रीलिम्स फोकस बैच है, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, weekly doubt resolution sessions, NCRT plus prelims test series, PYQs and mock question practice. In addition to that, you have a target success prelims 2021 batch, 3 महीने का batch है, quickly हम लोग आपको पूरा course complete कराएंगे. Apart from that, we have 1 year and 2 year के batches for UPSC, CSC, again complete syllabus coverage for prelims and mains both, right? आप देख सकते हैं different batches हिंदी language में, English language में, इंग्लिश लैंग्वेजेस में हमने आपके लिए अवेलेबल कराया है। एनसीईआरटी बैचेस आर आल्सो अवेलेबल, ताकि आप फाउंडेशन क्रिएट कर सकें, सब्सक्राइब चाहे तो आप प्लस का कर सकते हैं, या पर्सनल गाइडेंस एंड पर्सनल मेंटरशिप के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। ऑल द प्राइसेस यू कैन फाइंड ऑन द अनअकैडमी लर्नर्स ऐप या वेबसाइट। व्हेन यू क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन, राइट, यू कैन गो एंड क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन एंड यहाँ पे रेफरल कोड में पुट इन माय रेफरल कोड VCHLIVE, VCH Live, VCH Live कोड यूज करके आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया का बिगेस्ट फ्री आपका मॉक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं एज अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें आप थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एस्पिरेंट्स के बीच में रह करके यू नो कम्पीट कर सकते हैं, नॉलेज फाइट कर सकते हैं।
28th को, दैट इज संडे को हम लोग ये कंडक्ट करा रहे हैं छोटी होली के दिन पे सुबह 11 बजे. अगेन टू अनलॉक दिस यूज माई रेफरल कोड VCHLIVE. ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनअकैडमी आर्टिकुलेट मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन फॉर यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. ठीक है, अक्टूबर मंथ का हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ओके, सो गाइज, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं मेरे सेशन को यहाँ पर? हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग माई सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम राइट हियर? चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज, हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सो अगेन, फोर क्लासेस के अक्रॉस विल बी कवरिंग द वेरियस टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर. ठीक है ना? ओके, एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस कवर करेंगे, स्कीम्स एंड एक्ट्स कवर करेंगे, इंटरनेशनल डेवलपमेंट कवर करेंगे, सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट कवर करेंगे, इकोनॉमी करेंगे, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस करेंगे, एंड यू नो डाइवर्सिटी करेंगे. दीज आर टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू डू. आप लोग बताइए कमेंट करके विच वन शुड बी स्टार्ट विद, कौन से ये ब्रॉड एरियाज है करंट अफेयर्स के ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर दैट यू वांट मी टू स्टार्ट विद. लास्ट टाइम हम लोगों ने एनवायरनमेंट से स्टार्ट किया था, सो डू यू वांट मी टू स्टार्ट विद एनवायरनमेंट इटसेल्फ और डू यू वांट मी टू स्टार्ट विद समथिंग एल्स टुडे? बताइए. सो ग्रेट गाइस, सबका बहुत बहुत स्वागत है. जितने लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. गाइस, मैं अनअकैडमी पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ. आई बीन टीचिंग ऑन अनअकैडमी इन द लास्ट 5 ईयर्स नाउ. आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम IIT पटना. And I am going in the month of June to Indian School of Business, Hyderabad. So I will be doing my MBA from ISB Hyderabad. I've written my mains examination 3 times. So I've given the examination thrice, right? Current affairs, polity, geography are some of the subjects which I teach on Unacademy Plus as well. So here we are discussing some of the current affairs topics from the month of October 2020. Economy se start kare. Environment, economics. Okay, so there are 3 words for economics, 2 words for environment. Anyone else who would like to pitch in? Chaliye. So I think that is it. Let's start with economy itself then. Economy se start karte hain. Cool. Koi mast hai. So this is page number 62. Let's start with page number 62. Cool. Let's start with economics, right? All right. So the first thing is, guys, have you heard of D-SIBs? Domestic Systemically Important Banks. There are 3 D-SIBs in the country: SBI, ICICI, and HDFC. ये 3 banks ऐसे banks होते हैं which are too big to fail. अगर ये fail कर गए तो economy धरातल पे आके बैठ जाएगी. तो सरकार कहती है इन बैंक्स को हम लोग गारंटी देंगे, अगर ये फेल करेंगे तो हम हेल्प करेंगे. ठीक है, हाँ गाइस, वो आई हैव इन्फॉर्म द अकेडमी टीम, या आई नो कुछ माइक का कुछ इशू है, चिंता मत करिए. आज जस्ट बेयर विद मी टुडे, होपफुली बाय टुडे इवनिंग दिस इशू विल गेट रिजॉल्व्ड. राइट, सो वो आई हैव इन्फॉर्म्ड द टीम, सो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ. कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, आई थिंक पॉसिबली कुड बी सम प्रॉब्लम विद द माइक, सो वी विल गेट इट सॉर्टेड, डोंट वरी. अभी आप सुन लीजिए, कल से होपफुली विल बी बैक टू द नॉर्मल सेल्फ. ठीक है ना? राइट, माई अपोलॉजीज फॉर द बिजिंग नॉइज, बट आई कांट एक्चुअली डू अबाउट एनीथिंग अबाउट इट एज ऑफ नाउ, बट आई हैव टोल्ड द टीम दे विल वर्क ऑन इट. तो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स की बात जब करते हैं, सो LIC, GIC, न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी, इनको 2020 और 2021 के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर जो IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने DSII की तरह से आइडेंटिफाई किया है. ठीक है, दैट इज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस. ओके, व्हाई हैव दे बीन आइडेंटिफाइड? सो दैट उनको बोला गया है कि भाई आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस की तरफ से, एंड देयरफॉर you have to pay extra vigilance and you have to ensure that aapka jo corporate governance hai wo sahi rahe. It should not happen that aap log kharab dhang se misgovernance kare and
यू शुड आइडेंटिफाई ऑल योर रिस्क एंड प्रमोट अ साउंड रिस्क मैनेजमेंट कल्चर. वॉट आर दिस DSSIIs? मैं वही बताया था, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स. दीज आर इंश्योरर्स दैट आर टू बिग और टू इंपॉर्टेंट टू फेल. अगर ये फेल कर गए तो इकोनॉमी बैठ सकती है. दीज आर द इंश्योरर्स ऑफ सच साइज, सच मार्केट इंपॉर्टेंस, सच इंटरकनेक्टेडनेस ग्लोबली एंड डोमेस्टिकली, जिनका डिस्ट्रेस या फेलियर पूरा पूरा डिसलोकेशन कर सकता है इकोनॉमिक डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम को. दैट इज व्हाई दे हैव बीन टर्म्ड एज योर DSIIs. आप समझ ही सकते हो यार, LIC के अंदर इतने सारे लोगों के लाइफ इंश्योरेंस है, इतने सारे यू नो आपका गवर्नमेंट यू नो इंश्योरेंस वगैरह स्कीम्स वो रन करते हैं, दैट इफ दे फेल तो गवर्नमेंट स्कीम्स भी बैठ जाएंगी, लोगों की यू नो आपका इंश्योरेंस भी खत्म हो जाएगा, लोगों का इंश्योरेंस से विश्वास उठ जाएगा, एंड देयरफॉर दे आर टू बिग टू फेल. क्लियर? चलिए ग्रेट. नेक्स्ट स्कीम है, नेक्स्ट बात है, फेज टू ऑफ द फेम इंडिया स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड. व्हाट इज दिस फेम इंडिया स्कीम? फेम स्कीम क्या है? फेम स्कीम इज फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल. इट्स अ स्कीम टू प्रमोट योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए ये हमारी एक स्कीम है. क्लियर? ठीक है. ओके, सो इन अ बिग पुश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी द गवर्नमेंट हैज सैंक्शन 670 इलेक्ट्रिक बसेस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात एंड चंडीगढ़. राइट, 241 चार्जिंग स्टेशन इन मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, पोर्ट ब्लेयर अंडर द फेज टू ऑफ द फेम इंडिया स्कीम. प्लीज नोट करिए कि सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल से काम नहीं बनेगा, वी ऑल्सो नीड द प्रमोशन ऑफ द आपका यू नो एज वी कॉल इट द चार्जिंग स्टेशन. क्योंकि चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे तो गाड़ी खरीदने में कोई फायदा नहीं होगा. इफ देर आर नॉट इनफ चार्जिंग स्टेशन, वेयर विल पीपल पार्क एंड चार्ज देयर व्हीकल्स. व्हाट इज फेम इंडिया स्कीम? एज आई टोल्ड यू, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस ने 2015 में लॉन्च किया था. द आइडिया इज टू प्रमोट इको फ्रेंडली व्हीकल्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड व्हीकल्स. किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस. प्लीज इसको याद रखिएगा, इट इज नॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन. यही जनरली आपके कॉमन मिसकंसेप्शंस होते हैं जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं. सो प्लीज एंश्योर दैट यू रिमेंबर, इट इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज और हाईवेज, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस. ठीक है. राइट, नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्टिकल पे, दैट इज द आर्टिकल ऑन हाई फॉरेक्स रिजर्व. व्हाट इज फॉरेक्स रिजर्व गाइस? फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? इंडिया ने यार पिछले कुछ सालों में इतना फॉरेक्स रिजर्व जमा कर लिया है, फॉरेन एक्सचेंज इतना भर भर के इंडिया में आ गया कि वी आर यू नो काइंड ऑफ सॉर्टेड फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स. राइट, आप सोचिए, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज बेसिकली रीच्ड अ लाइफ टाइम हाई ऑफ 555 बिलियन US डॉलर्स. 500 और उससे ज्यादा भी हो गया, 580 करीब आ गया, इफ आई रिमेंबर करेक्टली 580 बिलियन डॉलर से करीब आ चुका रिसेंटली. ये तो अक्टूबर की न्यूज है, यू नो देयर हैज बीन 6 मंथ्स सिंस देन. सो आप समझ सकते हो इतने सारे, इतना सारा आपका यू नो अमाउंट ऑफ मनी इज देयर इन फॉरेक्स रिजर्व. द एक्सपेक्टेड रीजन एक तो यही है कि शार्प राइज इन द फॉरेन करेंसी एसेट्स, एक वो है, एंड देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड FDI FPI जो इंडिया में अंदर आ रहा है, दैट हैज इंक्रीज्ड. ठीक है. इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, व्हाट इज व्हाट कंप्राइजेस ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज. राइट, there are four things and this was in fact 2020 ka prelims question mein ek aspect. All the foreign currency assets are part of the forex reserve. Gold forex reserve, special drawing rights SDR jo hota hai, that is also there, and a reserve position with the IMF jisko hum log reserve tranche bhi kehte hain. So reserve tranche or reserve position with the IMF is also part of the India's forex reserve. ठीक है. व्हाट आर देखिए फॉरेन, अब इनको तेजी से समझ लेते हैं इन टर्म्स को. द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड इट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स. ये जनरली लोगों को पता नहीं होता है, IMF का ये एक एस्पेक्ट होता है. इट इज अ इंटरनेशनल रिजर्व एसेट जो IMF ने 1969 में क्रिएट किया था टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व्स. बट याद रखिए, इट इज नॉट अ करेंसी, नाइदर अ क्लेम ऑन IMF. It's a potential claim on the freely usable currencies of IMF members.
राइट, देर आर फाइव करेंसीज जिनका वेटेड, राइट, वेटेड एवरेज टाइप ऑफ अ थिंग इज दिस एसडीआर. कौन सी पांच करेंसीज हैं? यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, चाइनीज युआन और रेम्बिनी एंड योर ब्रिटिश पाउंड. ठीक है, सो बीन, व्हाई हैज इट रिजन? इट हैज रिजन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट हैज कम फ्रॉम आउटसाइड. बाहर से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है ना, राइट, एज वेल एज द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन विच पीपल फ्रॉम अब्रॉड एंड द इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम अब्रॉड एंड द कंपनीज फ्रॉम अब्रॉड हैव इन्वेस्टेड इन द इंडिया स्टॉक मार्केट. बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ हाई इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इन टू इंडिया. इज दैट क्लियर? अगला आर्टिकल है, आप ये देख सकते हो, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज रिलीज्ड द साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट. द टाइटल ऑफ दैट इज बीटन और ब्रोकन इनफॉर्मेलिटी एंड कोविड-19. ठीक है, अब यार इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में जानना. दिस रिपोर्ट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, जस्ट यू शुड नो दैट द रिपोर्ट वॉज रिलीज बाई वर्ल्ड बैंक. बिकॉज एट मैक्स द क्वेश्चन इन माई ओपिनियन विच कैन बी आस्क्ड इज साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट वॉज रिलीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNCTAD, ऐसे ऑप्शन दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए. इसका कंटेंट आई डोंट थिंक इज इंपॉर्टेंट, इट इज, इट मे बी इंपॉर्टेंट टू सम एक्सटेंट फॉर द मेंस, बट अभी हम लोग ज्यादा प्रीलिम्स फोकस चीजों पे ही ध्यान दे रहे हैं बिकॉज यू नो दैट इज द वन विच इज कमिंग नियर बाय. ठीक है, एनीवे, अब देखिए वर्ल्ड बैंक जो ना और कौन सी रिलीज करता है रिपोर्ट, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, the global economic prospect is also released by the world bank. clear? ठीक है, अगला है sovereign gold bond scheme. next is sovereign gold bond scheme. so we need to understand what is this sovereign gold bond scheme. the seventh tranche of the sovereign gold bond scheme जो है open for subscription, जिससे काफी कम प्राइस पे सब्सक्राइबर्स कैन बाय दिस पर्टिकुलर बॉन्ड. एंड व्हाट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम? इट इज अ, सो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच आर डिनोमिनेटेड नॉट इन रुपीज बट इन गोल्ड, राइट, ग्राम्स ऑफ गोल्ड. अंडर दिस स्कीम आरबीआई इश्यूज बॉन्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दीज बॉन्ड्स विल बी सोल्ड थ्रू बैंक्स. ठीक है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. आइडिया ये है कि फिजिकल गोल्ड, गोल्ड की जो डिमांड है उसको रिड्यूस कर दिया जाए. सो आप पेपर गोल्ड ले लो, राइट, सो दैट इज हाउ दिस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम वुड हेल्प. एंड फिजिकल गोल्ड जो होगा वो आपका, उसकी डिमांड कम रहेगी. द मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर एन इंडिविजुअल इज 1 ग्राम एंड द मैक्सिमम इज 4 kgs. तो इस रेंज के बीच में 1 ग्राम से लेकर के 4 kgs के बीच में आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं. फॉर ट्रस्ट एंड अदर एंटिटीज इट कैन बी अप टू 20 kgs. देखो वही बात कर रहे थे ना कि वाई, अभी बेन ने सवाल पूछा था, बेन थे या बीन थे, हमारे मिस्टर बीन थे ये. ओके, सो दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन दैट व्हाई डिड दिस द फॉरेक्स रिजर्व्स इंक्रीज. सो वी हैव राइज इन द एफडीआई इनफ्लो. व्हाट इज एफडीआई बाय द वे? एफडीआई होता क्या है? FDI guys stands for foreign direct investment. FDI stands for foreign direct investment. ठीक है ना? So FDI basically ऐसा है कि अगर 10% से ज्यादा की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाए इंडिया के अंदर फ्रॉम समवन फ्रॉम आउटसाइड, इट्स एन FDI. मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के 11% स्टेक खरीद ले किसी बाहर के व्यक्ति ने या बाहर के बॉडी ने, बाहर की कंपनी ने, so it will be considered as an FDI. so 10% से ज्यादा की कंपनी में कोई अगर इन्वेस्ट करे, it is an FDI. from April to August 2020 India has received the highest ever number of total FDI investment for the first 5 months of a financial year. reasons, बात वही है कि एक तो overall FDI reforms किए गए हैं काफी काफी जगहों पे, जैसे अभी आप recently भी देखोगे तो insurance sector में latest bill has been passed. so you can understand historically similar moves have been done in other sectors कि भाई 49%, 74% relaxation किया गया and things like that. Ease of doing business has improved. And also, World Investment Report 2020 में India was the 9th largest recipient of FDI in 2019. ठीक है? So, बहुत सारी चीजें हैं, FDI policy में amendment किया गया है.
राइट ओके, लॉन्च और प्रोडक्शन यू नो लिंक्ड इंसेंटिव्स लाए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आपका पीपल बेसिकली द इन्वेस्टर्स आर सीइंग अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन इंडिया, दे फील दैट इवन ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेंगे तो आगे रिटर्न मिल सकता है बिकॉज द स्टॉक मार्केट्स हैव गॉन डाउन, एंड जब आगे बढ़ेंगे, जब वैल्यूएशन बढ़ेंगी, जब आपकी इकोनॉमी वापस राइज करेगी, वी शेप रिकवरी करेगी, दे कैन गेन अ लॉट, दैट इज अनदर रीजन. सो एफडीआई आने का एक और रीजन ये भी है कि लेट्स इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनी विच कैन पोटेंशियली हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव आउटकम लेटर ऑन, एंड स्पेशली इफ यू सी ऑनलाइन कंपनीज हैव बीन यू नो हैव गॉट अ लॉट ऑफ एफडीआई, लाइक अन अकेडमी, एफडीआई को बहुत यू नो अन अकेडमी ऑल्सो आइदर थ्रू एफडीआई और एफपीआई वट एवर द केस माइट बी हैज गॉट अ लॉट ऑफ फंडिंग, राइट. वैसे ही आपके पेटीएम वगैरह है, a lot of outside funding have been given, so that shows that a lot of positive you know outlook is there amongst the foreign investors about Indian companies in general. ठीक है, अब अगला है contraction in core industry output. What is core industry समझते हैं. So guys, there are 8 sectors जिसको हम लोग core industry कहते हैं, which includes coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizers, steel, cement and electricity. Now there is a particular index जिसको कहते हैं IIP. सुना आपने IIP के बारे में? What is IIP guys? हाँ जी, index of industrial production. ठीक है, 40.27% of the weightage of the IIP is with these 8 core sectors. So, ये 8 core sectors जो हैं, they account for about 40% of the weightage given in the IIP. ठीक है? अब contraction has happened. What has happened is core sector growth for September 2019 contracted massively by 5.2% from the 0.5% contraction seen in August 2019. ठीक है? So, during the COVID, तो IIP का बहुत ज्यादा contraction देखा गया था, right? It is only recently that some kind of positive, you know, positive trends have started to be observed, you know, in IIP. But वही है कि, you know, a lot of contraction has been observed. Let's understand what is IIP. आपको जब बार-बार बोल ही रहे हैं, IIP is an index that track the manufacturing activity in different sectors of the economy. ठीक है ना? Okay, ये manufacturing sector को gauge करता है. The components are electricity, crude oil, coal, cement, steel, refinery product, natural gas, fertilizers, right? Which are the 8 core industries जो 40% रखते हैं, but इसके अलावा mining, manufacturing, electricity are the broad sectors जिसके जो आपके IIP को determine करते हैं. Who releases IIP? IIP is compiled and published by CSO every month, which is the Central Statistical Organization under the Ministry of Statistics and Program Implementation. MOSPI कहते हैं जिसको, we call it MOSPI. ठीक है ना. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, जीडीपी रिवाइवल फोरकास्ट. ठीक है, सो आरबीआई हैज फोरकास्टेड दैट द इंडियन इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट 9.5% इन द प्रीवियस फिस्कल ईयर ड्यू टू द डिसरप्शंस कॉज्ड बाय द कोविड 19 पैंडेमिक दैट हैज हिट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, सो आप देख सकते हो what the RBI did was, RBI has kept repo rate and reverse repo rate unchanged at 4% and 3.35% to revive the economy from COVID pandemic and has also released the long-term repo operations for the revival of certain specific sectors. What are these? Long-term repo option ही समझते हैं, इसको TLRTO बोला गया है, ठीक ना? टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन. ये क्या होते हैं? दीज आर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन. देखो रेपो क्या होता है? रीपर्चेज ऑर्डर. रीपर्चेज ऑर्डर होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है जो आरबीआई कंडक्ट करता है, राइट. सो अब जनरली रेपो ऑप्शन आर शॉर्ट टर्म, दीज आर यूनिकली लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन. रीपर्चेज का जो इसमें टाइम ड्यूरेशन होगा वुड बी यू नो कुछ सालों के बाद का. ठीक है, सो देयरफॉर यहां पर क्या किया गया है कि दिस विल प्रोवाइड योर लॉन्ग टर्म में लिक्विडिटी फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स. दूर के टाइम पर भी आरबीआई से पैसा मिल जाएगा यहां पर एज यू नो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के अंदर. ठीक, 1-3 ईयर्स का
यहाँ पे टारगेटेड है. इट इज टारगेटेड क्यों? बिकॉज इट इज टू स्पेसिफिक सेक्टर्स. कुछ सेक्टर्स को ही ये प्रिविलेज दिया गया है. आई एम श्योर यू गाइस नो व्हाट इज अ ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच आरबीआई बाइज एंड सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट टू रेगुलेट द लिक्विडिटी इन द मार्केट. अगर आरबीआई चाहता है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा हो तो इट विल सेल गवर्नमेंट, इट विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अगर चाहता है कि लिक्विडिटी कम हो तो इट विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है ना, टू द पब्लिक. इंटरेस्टिंग आर्टिकल गाइस. पीसीए डिसीजन ऑन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन बाय इंडिया. व्हाट डज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन मीन? व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन गाइस? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन ऐसा टैक्सेशन होता है जो बैड डेट से लगा दिया जाए. सो वोडाफोन एयरटेल वाला जो मुद्दा आया था ना, जिसमें आपके टैक्सेशंस वर पुट इन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन दीज टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल जायंट्स, दैट इज कॉल्ड एज द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, जिसके ऊपर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हैज रूल्ड दैट इंडियाज रेट्रोस्पेक्टिव डिमांड फॉर 22,100 करोड़ as capital gain and withholding tax from Vodafone is in breach of guarantee of fair and equitable treatment. So, ये बोला जा रहा है कि नहीं, that is an incorrect taxation which is being levied by India. ठीक है ना? So, बात वही थी कि या तो retrospective taxation, दो legally India can put as per its own laws. India के जो खुद के laws हैं उसके हिसाब से India is completely free to put up the legal such laws. But the thing is that ek to international law jab aa jata hai to fir you know there are a lot of concerns there, and secondly is it right thing to do ki bhai aap kisi company ko pehle aao ki aa jaiye aap hamara dhanda kariye uske baad mein bolo ki are ruko ek taxation pehle abhi hum aapko purane time se ek aur taxation laga rahe aur paisa do humko. So that kind of becomes a breach of trust, and that is what the permanent court of arbitration has basically mentioned. This is an interesting thing, guys. I am sure you guys know inflation क्या होता है. Inflation मतलब मुद्रास्फीति, that is price rise, right? Okay. So price rise is called inflation. Inflation को measure करने के लिए there are two major indices, consumer price index in which the prices are checked at the or you know measured at the consumer level or the retail level, and the wholesale price index or the WPI in which it is looked at the wholesale level. Now there is a CPI IW. Which is in consumer price index for industrial workers. So recently, Ministry of Labour which releases this particular index CPI IW, उसने उसका base year को revise कर दिया to 2016. अभी तक क्या था? सारे base years चाहे CPI IW था, चाहे CPI था, चाहे WPI था, चाहे GDP था, चाहे GDP deflator था, all the base years were fixed at 2011-2012. ठीक है? But here what we are seeing is CPI IW specifically. जो आपका इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, हैज बीन उसका रिवाइज कर दिया गया है बेस ईयर टू 2016. सो दैट इज द ओनली एक्सेप्शन नाउ. व्हाट इज सीपीआई? आपको मैं बता रहा हूँ, इट्स अ मेजर दैट एग्जामिन्स द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज. इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइस चेंजेस फॉर ईच आइटम इन द प्री डिटरमाइंड बास्केट ऑफ गुड्स एंड एवरेजिंग देम. ठीक है, सो दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर IW is determines the dearness allowance paid to the central and the state government employees and workers in the industrial sector. Agla hai, haan. GDP contraction estimates for India. Ye World Bank also has made certain estimates, right, about the GDP growth of India. So recently World Bank released the South Asia Economic Focus Report, jisme usne GDP bola hai contract karega by 9.6% in 2020-2021. ये इंडिया के खुद के एस्टिमेट्स के भी काफी क्लोज ही है. ठीक है, सो आप ये देख सकते हो द रीजंस फॉर द कंट्रैक्शन आर ओल्ड इकोनॉमी, कोविड की वजह से शॉक में चली गई है, कंस्ट्रक्शन में स्लो डाउन है, मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन है, आपका एक्सपोर्ट मार्केट स्लो डाउन है, ग्लोबल वैल्यू चेन्स ढंग से नहीं काम कर रहे. सो दीज आर ऑल द मल्टीपल रीजंस बिकॉज ऑफ विच
right? There is a contraction which has been seen. Alright, guys, cool. So, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, we'll take up the topic of measures to boost consumption demand. अच्छा ये इसको कर ही लेते हैं, right? We'll do this only. Because दो ही topics बचे, then we'll start with a new topic altogether. And then we'll take a break also. You know? So measures to boost consumption demand and capex. So central government announced twin set of measures to boost the consumption demand and the capital expenditure, जिसको capex कहते हैं. जिसमें एक था लीव ट्रैवल कंसेशन वाउचर स्कीम एंड फेस्टिवल एडवांस स्कीम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, दे हैव एन एलटीसी स्कीम जिसके अंदर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एवरी फोर इयर्स कैन टेक अ पर्टिकुलर यू नो आपका हॉलीडे घूमने आ सकते हैं एंड द ट्रैवल एक्सपेंसेस स्टेइंग एक्सपेंसेस आर ऑल कवर्ड राइट. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गेट एन एलटीसी इन अ ब्लॉक ऑफ फोर इयर्स इन विच द एयर और रेल फेयर राइट आर रीएम्बर्स एज पर द पे स्केल एंटाइटलमेंट ठीक है फॉर आपका एंड लीव एनकैशमेंट ऑफ 10 डेज इज पेड. एम्प्लॉयज विल नॉट बी एबल टू अवेल एलटीसी फॉर 2018-2021 ड्यू टू द पेंडेमिक सिचुएशन एंड देयरफॉर व्हाट इज डन एक एलटीसी वाउचर स्कीम लाई गई है. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विल रिसीव कैश पेमेंट ऑन लीव एनकैशमेंट डिपेंडिंग अपॉन द क्लास ऑफ एंटाइटलमेंट. The employee opting for this scheme will have to buy goods and services worth 3 times the fare and 1 time the leave encashment before 31st March 2021. Why has this been done? First of all, so that jo benefit aapka LTC ki tarah se milta tha, usko to some tune or to some extent use kiya ja sake. And secondly, so that in general the demand in the economy can be enhanced. Is this clear? Samajh mein aaya sabko? ठीक है ना. तो दिस इज द थिंग. ओके फर्दर द नेक्स्ट वन इज योर फेस्टिवल एडवांस स्कीम. व्हाट इज फेस्टिवल एडवांस स्कीम? फेस्टिवल एडवांस व्हिच वाज एबॉलिश्ड इन लाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ 7th पे स्कीम हैज बीन रिस्टोर्ड फॉर वन टाइम टिल 31st मार्च 2021. व्हाट इज फेस्टिवल एडवांस स्कीम? ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विल गेट एन इंटरेस्ट फ्री एडवांस ऑफ 10,000 रुपीज दैट विल बी रिकवर्ड इन 10 इंस्टॉलमेंट्स. इट विल बी गिवन इन फॉर्म ऑफ अ प्री लोडेड रुपे कार्ड ऑफ एडवांस वैल्यू. ठीक है ना. ऑलराइट दैट इज द होल थिंग गाइस. ये पूरा पूरा है. दिस इज द होल सिस्टम. देन वी हैव द लास्ट आर्टिकल. ये द नेशन वांट्स टू नो ऑन द न्यूज आफ्टर नाइट व्हाई इज दिस टेलीविजन रेटिंग पॉइंट सच अ बिग इशू. प्लीज टेल मी नाउ. नो प्लीज टेल मी. दिस इज नॉट डन. नॉट डन एट ऑल. हाउ कैन यू डू दिस टू मी? No, this is not done. So, Mumbai police investigating into the scam about the manipulation of the TRP or the television rating points by rigging the devices used by BARC, the Broadcast Audience Research Council. Right? Right? Us context mein ye news mein aaya hai. And what is TRP? Let's understand. TRP hota kya hai? Theena? What is TRP? So TRP is television rating point is a tool to judge which programs are watched the most and to index the viewer's choice. It helps to calculate which channel and the program are viewed most or it indicates the popularity of a TV channel or a program. But they kaise isko measure karte hain? Bada interesting system hota hai. There is a barometer. Ek barometer aapka ek fix hota hai in certain houses. About 44,000 houses across the country have this particular meter which kind of has a listening device. Usme ek sound listening device hota hai jo aisa sound ko listen karta hai which we people as humans cannot listen to. Hamare ears are not meant to listen to those frequencies.
एंड वॉट इज डन इज, जो भी आप चैनल देख रहे होते हो, चाहे आप यू नो चाहे आप रिपब्लिक टीवी देख रहे हो, चाहे आप एनडी टीवी देख रहे हो, चाहे आप स्टार प्लस देख रहे हो, वॉट एवर चैनल यू आर लुकिंग एट, देर इज अ पर्टिकुलर एम्बेडेड ऑडियो इन साइड दैट. वो एम्बेडेड ऑडियो जो है हम नहीं सुन पाते हैं, बट वो डिवाइस सुन पाता है. सो दैट इज एबल टू कैप्चर दैट, ओके दिस इतने समय के लिए ये चैनल चलाया जा रहा था इस घर के अंदर, एंड दैट इज हाउ द टीआरपी इज एक्चुअली. इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, राइट, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन एंड द एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया. ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ इट इज डन. द बार्क इज इंस्टॉल्ड बारोमीटर्स इन ओवर 45,000 इंपैनल्ड हाउसेस, दैट इज हाउ इट इज डन. क्लियर? अगला है WII साइंटिस्ट एंग्शियस अबाउट पोटेंशियल फंडिंग कट. WII scientists are anxious about potential funding cuts. So the Department of Expenditure, Ministry of Finance has recommended divesting the status of Wildlife Institute of India as an autonomous body of Ministry of Environment, Finance and Climate Change. This is the result of the review by the Department of Expenditure of 194 autonomous bodies across 18 ministries. ठीक है? Right. So this is there. और अब अगर आप देखो तो important thing to note here is about the WII ki Wildlife Institute of India kya hai. WII was established in 1982 and made autonomous in 1986. It's an internationally acclaimed institution jo training program provide karta hai, academic courses provide karta hai, wildlife research and management ke liye advisory provide karta hai, and also is actively engaged in research on biodiversity related issues. Theek hai? Objective is to build up scientific knowledge on wildlife resources, to train personnel at various levels for conservation and management of wildlife, carry out research relevant to the management including the development of techniques appropriate to Indian conditions, provide information and advice on specific wildlife management problems, collaborate with the international organizations on wildlife research, develop as a regional center for international importance on wildlife. So these are some of the targets that it has. So these were the topics from economy. Now tell me guys, which other aspects should be covered in the remaining class? हमारे जो भी 15 minute class बची है, we still have 15 minutes remaining. Which other aspects should be covered? हम्म
बताइए नेक्स्ट कौन सा लिया जाए. नेक्स्ट लेट्स टेक अप, चलिए एक ही करते इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू विद द सेम सीक्वेंस, कंपाइल इन्वायरमेंट का, ठीक है ना. सो कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी कंडक्टेड ऑन कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन कंडक्टेड इन हिमाचल प्रदेश किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, इट वॉज फाउंड एट ओनली 10% ऑफ सैपलिंग्स सेड टू बी प्लांटेड वर एक्चुअली फाउंड ऑन दिस साइट. सो दैट इज काइंड ऑफ अ यू नो अ स्केरी थिंग कि भाई बोला जा रहा है कि कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, but on the ground it is seen that it is actually not done. Right, what is the compensatory afforestation? Right, compensatory afforestation होता है कि भाई जो भी forest land developmental purpose के लिए utilize किया जा रहा है, like widening of roads, setting up of dams, trees are cleared to execute the concerned project. Compensatory afforestation means that the user agency pays for planting forest over an equal area of non-forest land or when such land is not available, twice the area of degraded forest land. ठीक है ना? So that is the thing. Compensatory Afforestation Fund Act 2016 जो है, it seeks to establish a permanent national compensatory afforestation fund under the public account of India. अगर आप जानते हो that there are three accounts. एक होता है consolidated fund of India. एक होता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड देन देयर इज अ पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया. पब्लिक अकाउंट्स जो ऑफ इंडिया है उसके अंदर ही ये वाला आपका कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड हैज बीन क्रिएटेड. इट अलाउज द स्टेट्स आल्सो टू एस्टैब्लिश इट्स रेस्पेक्टिव स्टेट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड्स. राइट, सो जो आपका नेशनल फंड है वो कैंपा यानी कि कंपनसेटरी नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी सॉरी वो कंट्रोल करेगा एंड स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट अ स्टेट कैंपा इन ईच स्टेट आल्सो टू ऑब्वियसली मैनेज द स्टेट कैंपा फंड. सो कैंपा के फंड आपके ऐसे होंगे, नेशनल फंड जो होगा उसको 10% फंडिंग मिलेगी फ्रॉम द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज अलोकेटेड एंड जो स्टेट होगा उसको 90% स्टेट फंड को जाएगा. दिस 10% and 90% का याद रखिए, इट्स वेरी वेरी एसेंशियल. That is the thing. So the national fund will this so according to the CAMPA rules, for every hectare of the forest land diverted, double the area of degraded lands are used as sites for compensatory afforestation. So jitna bhi area kata gaya hai maan liye forest ka, uska dugna area ko bhi afforestation karne ki avashyakta hoti hai. Agla hai aapka ek important news aayi thi. Invasive Latana bushes. What is an invasive species? Can anyone tell us what is an invasive species? Invasive species hota kya hai? Toh bata sakta hai? What does an invasive species mean? इन्वेजिव स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो एलियन स्पीशीज होती है जो बाहर से लाई जाती हैं, बाहर से आ जाती हैं और जो लोकल स्पीशीज होती हैं उनको थ्रेटन कर देती हैं. सो अ मंथ एंड हाफ लॉन्ग स्पेशल ड्राइव टू अप्रूव द इन्वेजिव लटाना बुशेज इन फेमस सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान हैज हेल्प्ड टू रिस्टोर द ग्रासलैंड्स देयर एंड सेव द बायोडाइवर्सिटी. व्हाट इज द लटाना? लटाना
और लटाना कमारा, बेसिकली दिस कुड बी अ प्रीलिम्स क्वेश्चन गाइस, इट्स एन इनवेजियस थॉर्नी श्रब, राइट, जो आपका सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाई जाती है, एंड 1807 में ये एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट इंट्रोड्यूस की गई थी। एक तो ये सारे इनवेजियस स्पीसी, चाहे यूकलिप्टस है, चाहे वाटर हाइसिंथ है, चाहे लटाना वटाना है, ये सब देन है आपकी ब्रिटिश की। वो बड़ी सुंदर दिखती है, बड़ी सुंदर दिखती है, लेकिन भाई पूरी बैंड हो जाती है हमारी लोकल स्पीशीज की, जस्ट लाइक देम, जस्ट लाइक दी कॉलोनियल्स, कॉलोनाइजर्स हु बिकेम एन इन्फेस्टेशन फॉर इंडिया, राइट। सिमिलरली वी हैव दीस स्पीशीज सेंट बाय देम, लाइक योर यूकेलिप्टस, लाइक वाटर हायसिंथ, लाइक दीज विच हैव बिकम अ इन्फेस्टेशन फॉर इंडिया, एंड नाउ वी आर अप्रूटिंग देम। सो इन्वेजिव स्पीशीज एंड ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट इंडिजिनियस और नेटिव टू पर्टिकुलर एरिया एंड कॉजेज हार्म टू द लोकल इकोसिस्टम। समझ गए ना, ब्रिटिशर्स भी यही थे, सो दे आर इन्वेजिव स्पीशीज फॉर इंडिया। इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, एज अ थिकेट फॉर्मिंग श्रब, इट कवर्स अ वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन एन इकोसिस्टम, स्टॉपिंग द नेचुरल लाइट एंड न्यूट्रिशन फॉर फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, द टॉक्सिक सब्सटेंस इन दिस फॉलिएज एंड राइप बेरीज अफेक्ट द एनिमल्स, एंड देयरफॉर इट इज बैड फॉर द इकोसिस्टम। जस्ट लास्ट थिंग समझते हैं, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में सदर्न अरावली हिल्स में लोकेटेड है। द सेंचुरी इज फेमस फॉर लॉन्ग बिल्ड वल्चर, कॉमनली नोन एज द इंडियन वल्चर, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एज पर IUCN स्टेटस। एज पर द IUCN स्टेटस इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है जकास, चलिए गाइज आज के लिए इतने रखते हैं, लेट्स कीप इट टू दिस मच फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन, आई ट्राई टू यू नो, आई होप होपफुली विल रिजॉल्व द वॉइस इशू बाय टुमारो। We'll have the class again at the same time tomorrow, 1:30 PM. We'll be discussing more of the environment and ecology from the month of October. So stay tuned, like kariye, share kariye, subscribe kariye, and do let me know if any more courses from my end is expected by you guys. I'll try to come up with those courses as well. Thanks a lot, everyone. Have a nice day.